खरगोन जिले में देर रात तक गांव में विकास यात्राओं का दौर जारी है। इसी बीच पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार भी लोनारा गांव में विकास यात्रा में शामिल हुए। बताया जा रहा है, देश के गरीब वर्ग के अलावा सभी आम जनों को शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुँचाने और उसके मूल्यांकन के लिए विकास यात्रा चल रही है, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। इस दौरान पूर्व मंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि 15 माह के कांग्रेस कार्यकाल में संबल और किसान हितैषी योजनाओं को बंद कर दिया, परिणाम स्वरूप कांग्रेस में बगावत हुई और भाजपा ने कमान संभाली। उन्होंने यह भी बताया कि हर किसान के खेत में पानी पहुंचाकर देश को सुख समृद्ध बनाने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। एक तरफ मध्य प्रदेश में हमने नहीं चलता था, हमने 4 लाख किलोमीटर नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। के लिए श्री महेश भाई लेवा, उनके स्वागत एवं सम्मान के लिए श्री गजा। और सबसे बड़ी समाज की जो समस्याएं होती थी पूर्व में, ये गरीबी और उस समय विधायक था, वो संकल्प था कि हम मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाएं। श्री पवार जनपद अध्यक्ष जनपद पंचायत खरगोन, मकान बनने के बाद उसमें रसोई के लिए 25,000 रुपया आपके गांव में भी प्रोत्साहन राशि कुछ को मिली होगी। अरे सारी समस्याओं का समाधान ये हमारे जो रामायण मंडल गांव में विकास यात्रा निकाल रही है और गांव ग्रामीणों को जो है मौके पर ही समस्या उनकी निराकृत की जा रही है। आप भी यहां पर पहुंचे हैं, सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद है, किस प्रकार की योजना बता दी जा रही है? देखिए शिवराज जी का, हमारे प्रदेश के मुखिया का एक संकल्प है कि हम मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए उसके पीछे जो कल्पना है कि समाज के सभी लोग सुखी हों, सभी लोग समृद्ध हो और सबको सरकार की ओर से जो योजनाएं संचालित की जा रही है उनका सबको लाभ मिले। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य ही है कि सबको सुखी और समृद्ध बनाना, क्योंकि ये सब जनता सुखी और समृद्ध बनेगी तो देश और प्रदेश सुखी होगा, समृद्ध होगा। तो यही मुख्य उद्देश्य है, और इस यात्रा के माध्यम से देख रहे हैं गाँव गाँव जा करके कि क्या योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो छूट रहे हैं वंचित है तो उनको दे रहे हैं, और यही इस उद्देश्य में यात्रा सफल हो रही है। आप देख रहे हैं कि सारी जनता इसमें बड़ी संख्या में भागीदारी भी कर रही है और अपनी समृद्धि का उसमें गदगद भी है, खुश है जनता। रात में पहुंच रहे हैं आप? रात में ये दिन भर चलती है यात्रा, सवेरे से शाम तक चलती थी, आज ये आखिरी पड़ाव था, अब कल से फिर और सवेरे से चालू होगी, फिर शाम को ऐसे ये यात्रा। योजनाओं का एक जाल बिछा है आपने, क्या पानी सोना है निमाड़ सोने? निश्चित रूप से पानी खेतों में जब पहुँच रहा है और किसानों की आमदनी बढ़ रही है, और इसलिए किसान भी समृद्ध हो रहा है तो मजदूर को भी खूब काम मिल रहा है, वो भी समृद्ध हो रहा है, व्यापार भी खूब चल रहा है, व्यापारी भी समृद्ध हो रहा है, समाज के सभी वर्ग, क्योंकि खेती से सब वर्ग जुड़े हुए हैं। तो कितने करोड़ की योजना है? 5,000 करोड़ की सिंचाई योजना है खरगोन जिले में चल रही है, और लगभग अब उसमें बहुत सारा चालू भी हो गई है और बहुत बड़े रकबे में सिंचाई हो रही है। इसलिए आप देखेंगे जिधर जाओ, पहले निमाड़ जिले में रबी में कुछ बुनी नहीं होती नर्मदा किनारे को छोड़ के, आज जिधर जाओ उधर हरियाली है, सब गेहूँ चना बड़े पैमाने पर रबी की फसल है। आपने 15 महीने के कांग्रेस के कार्यकाल पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। देखिए अब वो 15 महीने का समय गया, तो आपने देखा होगा कि उसने कई बातें की थी, कई वादे किए थे, लेकिन कोई काम किया नहीं। उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का काम किया। जैसे मैं उस समय मंत्री था तो श्रम मंत्री था, तो उसमें हम लाए थे योजना संबल योजना, उसको बंद कर दिए, किसान समृद्धि योजना किसानों के लिए उसको बंद कर दिए, और कौन सी सारी जितनी अच्छी योजनाएं थी सबको बंद कर दिए, और उसी का परिणाम हुआ कि जनता ने और कांग्रेस में बगावत हुई और उसको हटाया, और फिर से शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और सरकार फिर
वो सारी योजनाओं को फिर से चालू करके और सबके विकास के लिए और लोगों के कल्याण के लिए सब काम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।